So students, now we are going to discuss different types of graphs. All right. So first of all, we'll try to understand the concept of slope or tan theta, the graph of tan theta, right? तो आप देखो यहाँ पे जो tan theta में, right? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ tan theta के बारे में, ठीक है? तो अगर मैं इसको ले लूँ theta is equal to 0 degree और ये मैं ले लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस पॉइंट ये जो है ये 90 डिग्री एग्जैक्टली, और इसके इधर थोड़ा अगर मैं लूँ तो ये हो गया 90 डिग्री से जस्ट थोड़ा कम, यानी 90 माइनस, और ये हो गया थीटा 90 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा है 90 प्लस, ठीक है? और ये हो गया है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑलराइट, ठीक है? तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो पे टैन का जो वैल्यू होता है, यानी टैन जीरो डिग्रीज होता है, वो जीरो होता है. और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट इस पॉइंट पे अगर आप टैन निकालोगे, टैन थीटा या टैन 90, तो इस जगह पे वो हो जाता है प्लस इन्फिनिटी. और इसके जस्ट इधर 90, ये 90 माइनस के लिए और जस्ट ये 90 प्लस के लिए, यानी टैन 90 प्लस के लिए ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, और टैन 180 फिर से जीरो होता है. तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या कैसे होता है. तो सुन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्लोप होता है, स्लोप यानी इसको मैंने m लिखा है, स्लोप जो होता है वो टैन थीटा होता है, ठीक है? टैन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है स्लोप, राइट? हमने देखा है डेरिवेटिव में टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट. तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में किस तरह से ये स्लोप वैरी करता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट, ये जो थीटा की वैल्यू है ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, थीटा वन, थीटा टू, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, राइट? तो इसको मान लेते हैं हम कुछ थीटा थ्री. तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे. पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, राइट, आप देख रहे हो कि थीटा वन से बड़ा है, थीटा टू से बड़ा, थीटा थ्री है, वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू बढ़ने वाला है. कैसे पता? क्योंकि टैन जीरो जीरो है और टैन 90 माइनस ये क्या है, इन्फिनिटी. मतलब यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचते पहुँचते प्लस इन्फिनिटी हो रही है. मतलब कंटिन्यूसली जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं टैन थीटा जो है उसका जो मॉड बेसिकली वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. टैन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो आप देख सकते हो कि अगर थीटा वन लेस देन थीटा टू लेस देन थीटा थ्री है, तो वैसे ही टैन थीटा वन भी लेस देन क्या होगा, टैन थीटा टू लेस देन टैन थीटा थ्री है, ठीक है? इस तरह से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पे, राइट, कि जैसे जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. टैन थीटा वन इज लेस देन टैन थीटा टू इज लेस देन टैन थीटा थ्री, ठीक है? तो ये वैल्यू इस तरह से बढ़ते जा रहा है. ऑलराइट, ठीक है? तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ता जाएगा, इसको हम स्लोप कह रहे हैं, इसका जो स्लोप है वो स्लोप बढ़ता जा रहा है, राइट? डी वाई बाई डी एक्स यानी टैन थीटा है, टैन थीटा बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट? जो टैन थीटा है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है. अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप आ जाओगे, और जैसे कि हमने मानो ये लाइन बनाया, तो अभी ये है थीटा, राइट? इसके लिए ये थीटा वन है. तो थीटा एंगल जो है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं. फिर ये इसके लिए आप देखो, इसके लिए ये है थीटा, तो इसको हम यहाँ लिख दें, ये हो गया थीटा वन और ये पूरा हो गया थीटा टू. तो आप देख रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, राइट, यहाँ पे फिर ये वाला हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा थीटा थ्री. तो वैसे वैसे हम देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ये जीरो की तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ ये आ रहा है, राइट। ओके ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे थीटा की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, यहाँ भी जो टैन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू कुछ माइनस 100 होगा, इसका वैल्यू कुछ माइनस 90 होगा, इसका वैल्यू कुछ माइनस 80 होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जा रहा है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जा रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी, राइट, यहाँ पे भी जैसे जैसे, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि जैसे जैसे इसका स्लोप, राइट, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची है, जैसे जैसे इसका स्लांट बढ़ता जाएगा, राइट, जैसे इसका स्लांट बढ़ता जाएगा क्या होगा, तो हम देख सकते हैं टैन थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे ये लाइन जो है, लाइन का जो स्लांट बढ़ता जा रहा है, राइट, लाइन का स्लांट बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे ये माइनस 80 है, ये माइनस 90 है, ये माइनस 100 है, तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नीट्यूड है, राइट, मॉड टैन थीटा का जो मॉड है, तो वो मॉड बढ़ता जा रहा है, राइट। जैसे जैसे हम लोग उसका देख रहे हैं स्लांट बढ़ रहा है, जैसे उसका स्लोप बढ़ रहा है, तो टैन थीटा का जो वैल्यू है बढ़ता जा रहा है। आपका एक सवाल होगा, सर तो फिर ये माइनस का क्या मतलब है? तो देखिए, अभी हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, तो उसमें जो प्लस और माइनस है वो बेसिकली हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, राइट। मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एसटी ग्राफ है, अभी एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एसटी ग्राफ है, ओके, एसटी ग्राफ है, ये एस है, ये टी है, तो एसटी ग्राफ का स्लोप यानी डीएस बाय डीटी ये होगा टैन थीटा इस केस में, राइट। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा वेलोसिटी। अब अगर ये टैन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर ये टैन थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो जो प्लस माइनस आएगा, जो भी ये टैन थीटा प्लस माइनस आएगा, वो प्लस माइनस से सिर्फ हमें डायरेक्शन समझ में आएगा कि वो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस साइन का मतलब सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यही हो रहा है, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, ये लाइन आप देखिए जैसे जैसे और तिरछा होते जा रहा है, राइट, जैसे जैसे लाइन का स्लोप बढ़ता जा रहा है, राइट, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि उसका जो स्लोप है, यानी जो टैन थीटा का वैल्यू है, टैन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, वो बढ़ते जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये जीरो है और वो इन्फिनिटी है, उसका मॉड इन्फिनिटी है, वो भी जीरो से इन्फिनिटी तक उसका मॉड बढ़ता जा रहा है। और जो माइनस साइन आप देख रहे हो, माइनस का मतलब सिर्फ क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक ग्राफ है, यहाँ पे इस तरह का एक, ये वाई वर्सेस एक्स, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है। तो इस तरह का एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, वाई एक्स ग्राफ है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगा थीटा, राइट, तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। और आप देख सकते हैं थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ओके। अब आप मानिए कि ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है एक पर्टिकुलर एक्स पे, जिसको मैं एक्स वन कह देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या कह देता हूँ? एक्स वन कह देता हूँ, ओके, एक्स वन। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा वन कह देते हैं, ठीक है, टैन थीटा वन। अच्छा, अब दूसरा एक्स लेते हैं। अब दूसरा एक्स हम लेंगे, मानिए ये एक्स लिया, ये कुछ एक्स टू हो गया। तो यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, राइट, तो ये टेंजेंट इस तरह से बनेगा, करेक्ट। तो इसके लिए ये होगा थीटा,
यानी ये थीटा टू होगा। तो ये जो थीटा टू एंगल बन रहा है ये बन रहा है एक्स टू के लिए, करेक्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हमने एक और ले लिया यहाँ पे, एक हमने कंसीडर कर लिया एक्स थ्री, राइट, ये पॉइंट ले लिया एक्स थ्री, तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनेगा इस तरह से, राइट, ये पीछे जाएगा इस तरफ, और फिर ये एंगल बनेगा थीटा थ्री, तो एक्स थ्री के लिए बनेगा थीटा थ्री, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीटा वन है, राइट, थीटा वन थीटा टू से बड़ा है और थीटा थ्री से भी बड़ा है, राइट। तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, ठीक है, ओके। और ये तीनों किस में है? ये तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो अभी आपने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, राइट, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है, सी यहाँ पे आप देख रहे हो ये ज़्यादा है थीटा, ये थीटा टू से ज़्यादा है, थीटा टू थीटा थ्री से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैन थीटा वन इज ग्रेटर देन टैन थीटा टू इज ग्रेटर देन टैन थीटा थ्री, इसका मतलब ये है। मतलब पहले स्लोप ज़्यादा है, पहले जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स जो है एक्स वन पे वो ज़्यादा है, और स्लोप जो एक्स टू पे है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, वो एक्स थ्री पे जो स्लोप है उससे ज़्यादा है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, राइट, समझ में आ रहा आपको? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एक्स, विथ इंक्रीजिंग एक्स, मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ये स्लोप का वैल्यू कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ये स्लोप का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो ये हमने आपको पूरा मैथमेटिकली समझाया, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि इनिशियली जो है टेंजेंट इस तरह से, राइट, मतलब ज़्यादा स्लैंटेड है, ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कम स्टीप हो रहा है, ठीक है, और एक्स बढ़ा ये और कम स्टीप हो गया, और एक्स बढ़ा ये और कम स्टीप हो रहा है। मतलब ये आप ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते हो कि हाँ इसका जो स्लोप है वो स्लोप घट रहा है, राइट, मतलब पहले स्लोप ज़्यादा है फिर स्लोप कम हो गया फिर और स्लोप कम, स्लोप मतलब स्लैंट, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, सिंपल वे में आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। बार बार आपको इतना मैथमेटिकल ये करने की ज़रूरत नहीं है एनालिसिस, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जैसे हमने तीन एक्स कंसिडर किया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ये तीनों एक्स पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, क्योंकि टेंजेंट ही बेसिकली उस पॉइंट पे जो है स्लोप देते हैं, ठीक है, जो टेंजेंट, राइट। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, तो पहला वाला बना रहा है थीटा वन, दूसरा वाला बना रहा है थीटा टू, तीसरा वाला बना रहा है थीटा थ्री। तो हमें ये देखना है कि स्लोप घट रहा है या स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये कि हम पूरा मैथमेटिकली इसको स्टडी करें कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि थीटा वन, तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा थ्री, मतलब वो आ रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो लिख दिया हमने। और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो भी बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा टैन थीटा, तो जैसे थीटा बढ़ता है वैसे टैन थीटा बढ़ता है, और जैसे थीटा घटता है वैसे टैन थीटा घटता है। तो अगर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री होगा, तो टैन थीटा वन इज ग्रेटर देन टैन थीटा टू इज ग्रेटर देन टैन थीटा थ्री होगा। नाउ व्हाट इज टैन थीटा वन, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप है वो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एंड वॉट इज टैन थीटा टू, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, एंड दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब ये बेसिकली क्या है, स्लोप। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप, ये स्लोप है और स्लोप डिक्रीजिंग है, राइट, ये सबसे बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा वो, तो ये डिक्रीजिंग है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली ये एनालिसिस किया, इसी को हम डायरेक्टली समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे एक्स वन पे ये जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, ठीक है,
फिर एक्स टू पे आप देखोगे तो वो टेंजेंट कैसा है, वो टेंजेंट इस तरह से है। फिर आप एक्स थ्री पे देखोगे तो वो टेंजेंट इस तरह से है, राइट। फिर यहाँ तो ये स्लोप घटता जा रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो मैंने अभी यहाँ तक की बात की है, तो यहाँ से यहाँ स्लोप घट रहा है और यहाँ पे आकर आप देखोगे तो स्लोप जीरो हो जाएगा। इसको मैं कुछ एक्स नॉट कह देता हूँ। तो इस पॉइंट पे आके जो स्लोप है वो जीरो हो गया। तो अभी हमने यहाँ तक की बात कर ली, ठीक है, कि यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। तो आगे से मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको कि देखो ये टेंजेंट ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, ये कम स्टीप है, ये कम स्टीप है, मतलब जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, राइट। ओके, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मैं आपको एक और ग्राफ इसका आगे का पार्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अभी इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग इसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट अस रीड्रॉ दिस ग्राफ। तो हम लोग इस ग्राफ को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, तो ये रहा मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैं इसका जो सेकेंड हाफ है उसको स्टडी करूँगा, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे कि पहले मैंने ये एक्स ले लिया, इस बार मैंने इसको x1 कह दिया। तो अब यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस तरह से एक टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और इसका कुछ एंगल होगा x एक्सिस के साथ, तो मैं यहाँ पे ये एंगल दिखा देता हूँ, ये रहा वो एंगल, इसको मैं कुछ थीटा वन कह देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो इस पॉइंट पे मैंने एक सेकेंड टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बनाएगा वो ये है थीटा टू। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि इसका जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। फिर अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, करेक्ट। वो और स्टीप हो जाएगा, उसका ये आएगा एंगल थीटा थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तीनों टेंजेंट हैं, वो तीनों टेंजेंट के जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थीटा वन के लिए जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, राइट। वो उसका स्लोप कम है, उसका स्लैंट कम है, ठीक है, उसका स्टीप कम है। फिर थीटा टू के लिए जो है वो इस तरह से हो गया, मतलब उसका स्लैंट बढ़ गया है, ठीक है। फिर थीटा थ्री के लिए वो इस तरह से हो जाएगा, थीटा फोर के लिए ऐसा हो जाएगा, मतलब उसका जो स्लैंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, उसका जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्लोप है, राइट, ये स्लोप क्या होते जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हो। और आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली भी कह सकते हो, कैसे, आप कह सकते हो कि ये स्टूडेंट, सो वी आर डिस्कसिंग दिस दैट we have seen that in the second quadrant what happens, so we are talking about the second quadrant, okay. So in the second quadrant we have seen that, you know, as this theta increases, you know, as this theta increases, what happens is that the magnitude of the slope, right, the magnitude of the slope decreases. The magnitude of the slope, this is minus infinity, this is minus 90, minus 80, minus 70, so the magnitude decreases. And we are talking about the magnitude, not the minus sign, because minus here just represents the direction, all right. So theta 1, right, as the angle increases, the tan theta decreases. So yahan pe aap dekh rahe ho ki jo theta 1 hai, right, so theta 1 is more than, matlab yahan pe jo x1 pe jo hai, right, theta 1 is more than theta 2 is more than theta 3. और second quadrant में जो tan theta है, tan theta का value, right, वो क्या हो रहा है, वो decrease हो रहा है. तो इस case में ये inequality क्या हो जाएगा, ये reverse हो जाएगा. So tan theta 1 is less than tan theta 2 is less than tan theta 3, ठीक है. तो tan theta क्या है, slope है, right. So हम क्या लिखेंगे, dy by dx. तो dy by dx at x is equal to x1 is less than, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, यही मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, ठीक है.
हमें टैन थीटा का वैसे भी क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड से हम डील कर रहे हैं। मैंने बार बार समझाया आपको, जो माइनस साइन आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है, राइट, वो स्लोप क्या हो रहा है, वो स्लोप यहाँ पे इस तरह से बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। ये सबसे कम स्लोप किधर है, इधर, एंड उससे कम स्लोप इधर होगा, इस तरह से होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये बढ़ता जा रहा है, स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है। तो वही यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एक्स थ्री पे, राइट, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, एक्स थ्री पे जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, और इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, जब आप यहाँ पे ऐसे पेन रख के देखिए आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो इसका स्लैंट कम है, ये तो ऑलमोस्ट जो है प्लेन सरफेस जैसा है, राइट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन सरफेस, ऐसा इस तरह से। और फिर धीरे धीरे जैसे आप इसको आगे ले जा रहे हो, इसका जो स्लोप है वो स्लोप इसका क्या होते जा रहा है, वो स्लोप इसका बढ़ते जा रहा है, राइट, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स और देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे का हमारा सारा डिस्कशन जो है वो स्लोप पे ही बेस्ड है, राइट, उस स्लोप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम लोग एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये स्लोप कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, चलिए तो इस तरह का एक ग्राफ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ तो हमने ले लिया, मानिए ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, वाई वर्सेस एक्स, ऐसा एक हम ग्राफ लेते हैं। तो इस ग्राफ में क्या आप देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे तीन चार पॉइंट लेने होंगे एक्स के, ठीक है, और फिर उसको स्टडी करना होगा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलिए पहले हम लोग सिर्फ देख के बताते हैं कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अगर हमने कुछ एक्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे मानिए कि इसको हमने ले लिया यहाँ पे एक्स वन ले लिया, इस पॉइंट को हमने ले लिया एक्स टू, ओके, और इस पॉइंट को हमने एक्स थ्री ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट ऐसा होगा, राइट, इस तरह से होगा, और यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो और वो स्टीप हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, राइट। तो क्या लगता है आपको, स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो आप खुद से स्टडी कर सकते हो। एक्स वन पे जब आप देखोगे तो इस तरह से, मतलब इसका स्लोप कम है, राइट, इसका स्लोप कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दूसरे एक्स पे गया, इसका स्लोप बढ़ गया, मतलब ये और तिरछा हो गया और ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। जब कोई भी चीज़ जितना ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है मतलब वो उसका स्लोप उतना बढ़ रहा है, मतलब उसका स्लांट उतना बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ये आगे और लिया आपने तो ये और स्टीप हो गया, जितना ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है उतना ज़्यादा उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि द स्लोप इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। तो अब जैसे इसका हमें यूज़ क्या है, देखिए इसका यूज़ ऐसा है कि अगर ये ग्राफ वाई की जगह यहाँ पे एस होता और एक्स की जगह यहाँ पे टी होता, यानी एस टी ग्राफ होता, तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि द स्लोप इज इंक्रीजिंग, एंड स्लोप मतलब डी एस बाई डी टी, मतलब डी एस बाई डी टी इज इंक्रीजिंग, एंड डी एस बाई डी टी इज वी, यानी वी इज इंक्रीजिंग, मतलब आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते थे कि अच्छा इस ग्राफ में जो है वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत यूजफुल है। अब इसको आप मैथमेटिकली हम लोग करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली मतलब हम लोग इसको थीटा टैन थीटा से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थीटा है ये है थीटा वन, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली डायरेक्ट देख के करना है, तो ये थीटा टू और इसलिए थीटा थ्री। तो आप खुद देख सकते हो कि थीटा वन जो है, थीटा वन का वैल्यू कम है थीटा टू से थीटा थ्री से, और ये जो तीनों एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ये किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जैसे जैसे टैन थीटा बढ़ता है, सॉरी थीटा बढ़ता है वैसे वैसे टैन थीटा बढ़ते जाता है, यानी अगर थीटा बढ़ रहा है यहाँ पे आप देखो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, थीटा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे टैन थीटा बढ़ता जाएगा, यानी टैन थीटा वन इज लेस देन टैन थीटा टू इज लेस देन टैन थीटा थ्री हो जाएगा। और टैन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप। तो स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इज लेस देन द स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू इज लेस देन द स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, मतलब यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है,
सबसे ज्यादा स्लोप किधर है, एक्स इक्वल टू एक्स थ्री पे, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्स के साथ, देखिए एक्स बढ़ रहा है, एक्स वन से एक्स टू, एक्स टू से एक्स थ्री, ये एक्स बढ़ते जा रहा है, राइट, इंक्रीजिंग एक्स, लेकिन स्लोप भी इंक्रीजिंग है, यानी स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग राइट विथ एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं आप वैसे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली या ग्राफिकली समझ सकते हैं, सिर्फ इस तरह से देख कर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से टेंजेंट, और ये टेंजेंट हम देख रहे हैं अगले एक्स पे और स्टीप हो रहा है, और ये तिरछा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर अगले एक्स पे ये और तिरछा हो जा रहा है, फिर अगले एक्स पे ये और तिरछा हो जाएगा, यानी ये इस तरह से जो टेंजेंट जो है यहाँ पे वो और ज़्यादा स्टीप हो रहा है, और ज़्यादा तिरछा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ऑलराइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर देता हूँ। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया y वर्सेस x, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह का एक कंसीडर कर लिया ग्राफ, तो इस ग्राफ में फिर से स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कुछ x एज्यूम कर लोगे, x1, x2, राइट, आपको देखना है कि x के साथ स्लोप का क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग और द स्लोप इज डिक्रीजिंग, राइट, वी वॉन्ट टू स्टडी दैट। तो अब आप खुद देखो, अगर यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है, आप खुद देख लो इस तरह से, ये इसका स्लोप कम है या ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका स्लोप कम है, ये कम स्लैंटेड है, ये इस तरह से है, राइट, ये ऑलमोस्ट सीधा ही है, सोया हुआ है, और अगर ऐसा हो जाए तो इसका स्लोप तो जीरो हो जाए, राइट, मिनिमम स्लोप इज जीरो, तो ये मिनिमम स्लोप के पास है। फिर धीरे धीरे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यही जो टेंजेंट है ये टेंजेंट स्टीप होते जा रहा है, ये टेंजेंट तिरछा होते जा रहा है, राइट, हम देख सकते हैं, राइट, वी कैन सी दैट दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, ये तिरछा हो रहा है, राइट, समझ में आ रहा है आपको। अगर टेंजेंट जो है वो बेसिकली आप ये समझो कि वो इस तरह से ऊपर जाए तो भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, या फिर इधर से ऐसे ऊपर जाए टेंजेंट तो भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर बढ़े तो भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से बढ़े तो भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है, कौन टेंजेंट, देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से अगर तिरछा होते जा रहा है ये टेंजेंट और स्टीप होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, या फिर इधर था और इधर से बढ़ते 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 ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा हो जा रहा है, यानी स्टीप हो जा रहा है, तो यहाँ भी स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स वेरी सिंपल। अगर मतलब इस डिरेक्शन में आ रहा है टेंजेंट, इस डिरेक्शन में ऊपर वाले डिरेक्शन में बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और नीचे वाले डिरेक्शन में जा रहा है टेंजेंट, इस डिरेक्शन में जा रहा है तो मतलब स्लोप घट रहा है, ठीक है, ओके, दैट्स वेरी सिंपल, तो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ हमने सिर्फ डायग्राम से ये बता दिया है कि जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है वो टेंजेंट इस तरह से, अगला टेंजेंट थोड़ा स्टीप है, अगला टेंजेंट और स्टीप है, उसके अगला और स्टीप है, उसके अगला और स्टीप है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टीप होते जा रहा है, देखिए फाइनली ये ऐसा हो गया, राइट, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, पहले स्लोप कम था, अब स्लोप बढ़ गया, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये वाई की जगह यहाँ पे एक्स हो, ठीक है, ये एक्स हो और ये टी हो यानी टाइम हो, यानी ये एक्स टी ग्राफ हो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, फिर से वही कहानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, और स्लोप मतलब आप बोलोगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी इज इंक्रीजिंग, बट डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब आप इस ग्राफ को, आप इस एक्स टी ग्राफ को देख के ये कह सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, ऑलराइट। तो यहाँ से आप ये बता पा रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये स्लोप बढ़ना और घटना ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स। तो पहले बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है आपको पता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या रहता है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है,
यानी यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें जो इक्वेशंस होते हैं मोशन के, राइट, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो क्या होते हैं, वो आपको पता है कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, मतलब दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन एस एंड टी, दिस इज रिलेशन बिटवीन एस एंड टी, दिस इज टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप, क्योंकि ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट और यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज यू का एक इनिशियल वैल्यू होता है, तो यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और ए मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ए भी क्या है, ए भी कॉन्स्टेंट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एफ ऑफ टी, यानी दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एस वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा, किसका बनेगा, एस वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली वॉट, दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टाइम, राइट। जैसे कि अगर आपके पास कोई रिलेशन हो यहाँ पे, तो ये इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इन टाइम है, राइट। तो जो क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो या तो इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेगा, इस तरह से ऊपर, ठीक है, एस टी ग्राफ, या तो फिर ये ग्राफ बन सकता है इस तरह से, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है ग्राफ, या फिर ये ग्राफ बन सकता है इस तरह से, क्वालिटी है ना। तो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, एक पैराबोला जैसा बनता है, ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरह से। तो ये जो है इसमें चार ही ऑप्शन है अपने पास, ओनली फोर ऑप्शंस, या फिर ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस चारों ग्राफ को एक ही ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, वी कैन शो ऑल दिस फोर ग्राफ्स इन अ सिंगल ग्राफ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ्स फॉर्म होंगे उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जो एस टी ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है, या तो वो ग्राफ इस तरह से होगा या ऐसा होगा, जैसे ये दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, या वो ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो मैंने चारों को एक में दिखा दिया आपको, ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो अभी मैंने आपको चारों ग्राफ दिखाया है, राइट, ये वन, वो वाला टू, राइट, ये वाला मैंने दिखाया आपको, ये थ्री, और वो दिखाया मैंने आपको फोर, ठीक है। तो अभी ये चारों ग्राफ जो हैं, राइट, ये चारों ग्राफ कैसे हैं, ये चारों ग्राफ है ए टी ए, ए टी ए का मतलब क्या है, अबव टाइम एक्सिस, राइट, अबव टाइम एक्सिस, ओके। तो ये चारों ग्राफ ऐसे ही बन सकते हैं बिलो टाइम एक्सिस भी, ठीक है ना, ओके। तो मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन बाद में समझाऊंगा कि ये जो एस टी ग्राफ है, इस एस टी ग्राफ से हम वी टी ग्राफ कैसे बनाएंगे, और उस वी टी ग्राफ से हम ए टी ग्राफ कैसे बनाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन टाइम कैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ ग्राफ का नेचर समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो उसमें सिर्फ ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसमें एक जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और पैराबोलिक ग्राफ मतलब या तो वो अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, ठीक है, या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, ठीक है, इस तरह से होता है, या साइडवेज पैराबोला हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। तो लेकिन उसमें से हमने टाइम के साथ, हमें जो दिखा था बस उतना ही हमने दिखाया है, ये पॉजिटिव टाइम के साथ वाला जो पार्ट है वो हमने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा एस टी ग्राफ, ऑलराइट।
तो अब हम लोग बात करते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या है, यू प्लस ए टी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यू इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी का एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और ए है एक्सेलरेशन, और ये हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, यानी जो ए है एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी में आप देख सकते हो कि इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे वी जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ग्राफ किसके बीच बनेगा, तो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे होगा वी और इज अवर टाइम। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह है, राइट। y इज इक्वल टू ये mx प्लस c, ये कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ, u प्लस ए टी की जगह मैं लिख दूँ इसको ए टी प्लस यू, तो आप समझ सकते हैं, राइट, कि जो a है वो बेसिकली स्लोप है, और जो t है वो x एक्सिस है, और जो u है वो कांस्टेंट है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें क्या देगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, राइट। इस तरह से देगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये u, राइट, और ये टाइम के साथ, और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप a आएगा। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है d v बाई डी टी, राइट। ये v t ग्राफ है, तो v t ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वो होगा d v बाई डी टी, डेरीवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्लोप आएगा वो स्लोप होगा डी वी बाई डी टी, राइट। वी टी ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा, डी वी बाई डी टी। वाई एक्स ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप इज डी वी बाई डी टी, राइट, ए दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये जो वी टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, राइट। स्लोप मतलब डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन होता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप का मतलब क्या है, बेसिकली स्लोप का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। स्लोप इज बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे भी चार ऑप्शन है जो वी टी का ग्राफ बनेगा। तो वी टी का ग्राफ में यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन क्या क्या है, ये ग्राफ इस तरह से हो सकता है, जैसे पहला ऑप्शन ऊपर इस तरह जा सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो ग्राफ है वो इस तरह से नीचे आ सकता है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, ऑल राइट। ठीक है, और वैसे ही ये ग्राफ जो है, तो ये दो ऑप्शंस हो गए आपके अबव टाइम एक्सिस, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है, और जो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, राइट। स्लोप मतलब डी वी बाई डी टी, क्योंकि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो टैन थीटा यानी जो स्लोप है वो स्लोप क्या आएगा इस केस में, तो इस केस में जो स्लोप आएगा, राइट, टैन थीटा, वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, राइट। और ये जो स्लोप है बेसिकली ये एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, कैसे पता, बिकॉज दिस इज अबव द टाइम एक्सिस, राइट, ऊपर की तरफ है। तो इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप इज डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा बेसिकली किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट टैन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के ऊपर है, अबव टाइम एक्सिस। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड द स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट। स्लोप, सॉरी, एंड द स्लोप, हाँ, स्लोप इज एक्सेलरेशन, दैट इज डी वी बाई डी टी, एंड द वेलोसिटी इज नॉट जस्ट पॉजिटिव बट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जो हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो ये दो चीज कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों हमें डायरेक्टली ग्राफ से समझ में आ रहा है, राइट। ग्राफ से दिख रहा है वेलोसिटी इज अबव द टाइम एक्सिस, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड वी कैन सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द
वेलोसिटी यानी स्पीड इज इंक्रीजिंग, दिख रहा है हमें टाइम के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। टाइम के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है इस केस में, राइट, स्लोप न बढ़ रहा ना घट रहा, स्लोप इज अ कॉन्स्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इस तरह का एक हमें मिल सकता है लाइन, या फिर हमें इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें जो थीटा है वो थीटा नेगेटिव, थीटा जो है वो सेकेंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो जो टैन थीटा आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में जो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप तो यानी डी वी बाई डी टी जो मिलेगा, तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, टैन थीटा। डी वी बाई डी टी क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट है। और वेलोसिटी कैसा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव ही है। कैसे पता, क्योंकि अभी भी ये जो ग्राफ है, ये इसमें जो वेलोसिटी का ग्राफ बना है वो अबव टाइम एक्सिस बना है, ठीक है, अबव टाइम एक्सिस, तो इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन टाइम के साथ हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, राइट। टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, उसका मॉड कम होते जा रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है। यानी हमें दो चीज़ तो ग्राफ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अबव टाइम एक्सिस, ये जो ग्राफ है सेकेंड वाला कैसे बनाया गया है, अबव द टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है वो भी ग्राफ से हमें दिख रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी घटते जा रहा है, राइट। टाइम इज इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वो कम होते जा रहा है, ओके। तो और तीसरा था कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, राइट। डी वी बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, डी वी बाई डी टी टैन थीटा। लेकिन जो थीटा है इस केस में, थीटा दैट इज ग्रेटर देन 90, यानी थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट टैन थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि यह इस तरह से। तो ये दो ऑप्शंस है वी के लिए, तो ये दोनों ऑप्शंस हो गए अबव टाइम एक्सिस के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही दो ऑप्शंस बन सकते हैं बिलो टाइम एक्सिस के लिए, तो बिलो टाइम एक्सिस का भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, तो बिलो टाइम एक्सिस यानी बी टी ए, बिलो टाइम एक्सिस, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप वो खुद से देखिए, अबव टाइम एक्सिस, ये बिलो टाइम एक्सिस, ओके। तो बिलो टाइम एक्सिस मतलब इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, मतलब या तो ऐसा ग्राफ होगा या तो फिर इस तरह से ये ग्राफ होगा, इस तरह से। तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये -5 है, ये -10 है, ये -15 है, तो ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। काइनेमेटिक्स में कहीं पे भी आप माइनस देखते हो या प्लस देखते हो, खास करके ये वन डायमेंशनल मोशन में, तो माइनस का मतलब क्या है, वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई नंबर लाइन नहीं है ये, राइट। नंबर लाइन में आप कह सकते हो कि -5 ग्रेटर होता है देन -10, यस, नंबर लाइन में ऐसे होता है ना, -5 बड़ा है। लेकिन फिजिक्स में इस ग्राफ में -5 बड़ा नहीं है, -10 ही बड़ा है, -15 उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये जो माइनस है ये सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 5 से बड़ा कौन है, 10, 10 से बड़ा कौन है, 15। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट, ये आप देखो, ये टाइम जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव है। तो वेलोसिटी एक तो नेगेटिव है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम कह रहे हैं -5 ये -10 है, तो -5 से बड़ा -10, -10 बड़ा है, -10 से -15 बड़ा है, ठीक है, मतलब जो भी व्हीकल है, जो भी बाइक है, कार है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। बस इसका मतलब ये है,
इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, यहाँ पे दिखता है। और फिर हम लोग स्लोप के बारे में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये हमने लिया टाइम, तो इनिशियली आप देखो तो इसका वेलोसिटी है कुछ -15, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम थोड़ा सा बढ़ाया तो फिर इसका वेलोसिटी घट गया, ये हो गया -10। फिर टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाया, राइट, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया -5। मतलब यहाँ पे सेकेंड केस में आप देख रहे हो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब जो व्हीकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, ओके, इसका मतलब ये। और टाइम के साथ मतलब वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो 15 से 10 हो रहा है, 10 से 5 हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, ओके। तो इस केस में आप देख सकते हो पहले वाले केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, 5, 10, 15, 20, और माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव, मतलब व्हीकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन बट इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब कार आगे गई थी, घूम के पीछे आ रही है, और अब वो ड्राइवर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, उसने एक्सेलरेटर पे पैर दबा रखा, तो अब क्या होगा, अब गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन वो स्पीड उसका नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो गाड़ी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में पहले से चल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, और इस बंदे ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 15, जैसे इसने ब्रेक लगाया इसकी स्पीड और क्या हो गई, 10, ठीक है, और थोड़ी देर में इसकी स्पीड क्या हो गई, 5, यानी स्पीड घट रही है। तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन उसने क्या दबा दिया, उसने ब्रेक दबा दिया, ठीक है, यानी डीसेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीसेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो नेगेटिव है, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, उसने ब्रेक दबा दिया है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट हो गया है, यहाँ पे ब्रेक दबाया गया है। तो ये चार जो केस है, ये चार केस बन सकते हैं वेलोसिटी के, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अबव टाइम एक्सिस, बिलो टाइम एक्सिस। अब एक चीज बाकी हो गया, वो है एक्सेलरेशन यानी स्लोप। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हो, फर्स्ट केस में अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी एंगल चेक किया, तो ये एंगल जो बनेगा, राइट, ये एंगल है ग्रेटर देन 90। हम एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ चेक करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चेक किया, तो इसका जो ये एंगल है, ये एंगल कितना आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो स्लोप है, यानी स्लोप यानी dv by dt यानी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, ठीक है, ओके, राइट। और ये वाला जो केस है, इस वाले में आप देखोगे तो जो एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ, वो एंगल कैसा है, वो एंगल है लेस देन 90 डिग्री, राइट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ओके। तो लेस देन 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो स्लोप है यानी dv/dt जो है, एक्सेलरेशन जो है वो आएगा पॉजिटिव। मैं वही आपसे कह रहा था कि इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट, इसलिए यहाँ पे हो रहा है ब्रेकिंग एक्शन, यानी यहाँ पे हो रहा है डीसेलरेशन, ठीक है, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड 15 से 10, ठीक है, 10 से 5 हो रहा है, यानी स्पीड घट रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन उसने ब्रेक दबा दिया है, तो ब्रेक दबा दिया है तो मतलब गाड़ी स्लो डाउन होगा और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो ग्राफ से भी निकल के आ रहा है, स्लोप से भी आप देख रहे हो वही निकल के आ रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये चारों ग्राफ को कंबाइन करके मैं आपको समझाता हूँ कि चार ऑप्शंस क्या बन सकते हैं हमारे पास वेलोसिटी के।
तो इस तरह से ये चार ग्राफ को हम कंबाइन कर समझ सकते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी के जो चार ग्राफ पॉसिबल है, एक है इस तरह से हो सकता है, राइट, या इस तरह से हो सकता है, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। ये चारों ग्राफ को मैंने जस्ट एक में दिखाया आपको, ये चार अलग अलग ग्राफ्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको अलग अलग समझा दिया और फिर बता दिया कि ये चार ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही ग्राफ में चारों बना दोगे, ठीक है, राइट, ये चार ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, तो मैंने आपको चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए। तो ये दोनों ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये दोनों ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ जो है वो अबव टाइम एक्सिस है और ये दोनों ग्राफ जो है वो बिलो टाइम एक्सिस है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ दोनों में वेलोसिटी नेगेटिव है, ओके। और ये जो पहला वाला ग्राफ है इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से ये बन सकता है, राइट। तो अब हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि ये हो गया, और जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, उसमें दो ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या तो पॉजिटिव हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी अबव टाइम एक्सिस एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, या रिटार्डेशन हो सकता है, यानी वो बिलो टाइम एक्सिस हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया टाइम और ये हो गया एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये ए इक्वल टू जीरो, ये बिलो टाइम एक्सिस, यानी पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड या नेगेटिवली एक्सेल, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ डिस्कस किया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से एस टी ग्राफ के लिए कौन सा वी टी ग्राफ बनेगा और किस वी टी ग्राफ के लिए कैसा ए टी ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।